अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं? खैरियत से? आप अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं। मेरी वॉइस क्लियर है? जी, जी सर, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन शेयर करें आप। मैं करता हूँ। हेलो बासिम। हाँ, यस सर। ये एक काम करते हैं कि मैं आपके पास पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट आ रही होती है जी सारी? सर, आ रही है, आ रही है सर। आप कहाँ? इस्लामाबाद में? नहीं सर, मैं फैसलाबाद से हूँ। ओके। आपने करना ये है कि आप वन बाय, जब मैं कहूंगा ना, तो वन बाय वन करके आपने उनको अनम्यूट करना है, ठीक है सर। ठीक है ना? तो हाँ जी, मतलब प्रोटोकॉल ये है कि वन बाय वन करके अनम्यूट करेंगे, मैं उससे कुछ सवालात करूंगा, उसके बाद जो है आप उसको म्यूट करके और सेकंड वाले पे अनम्यूट कर देंगे। अभी नहीं, जब लोग आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक ओके सर। है? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है।
जी, आप लोगों के कोई सवाल हैं कल के लेक्चर से मुतालिक तो मुझे बताइए काइंडली। अभी मीनवाइल लोग चूँकि होपफुली शायद आ रहे हों, तो मैं इसलिए हम इस टाइम का एडवांटेज लेते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो प्लीज़ डू आस्क मी। राइट जी, वैन का मैंने आपसे कहा था कि देखें ये जितनी भी टाइप्स ऑफ नेटवर्क है ना, ख़ास तौर पे लैन, मैन और वैन, ये बेसिकली इन इनके नाम आप नाम से देखें तो ये आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सिमिलर हैं, लेकिन जो बुनियादी इनमें फ़र्क है वो बेसिकली इस चीज़ के ऊपर है कि एक नेटवर्क की जो कवरेज है वो कितनी है। ठीक है, जियोग्राफिकल कवरेज कितनी हम उसको कह सकते हैं। तो अगर एक नेटवर्क है जिसकी ज्योग्राफिकल कवरेज जो है, मतलब जो सिर्फ एक एक घर को, एक बिल्डिंग को, एक फ्लोर को, एक दो बिल्डिंग्स को, चलो एक कैंपस को का अहाता कर रहा हो, तो हम ये कहेंगे कि वो क्या है, वो लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। मैंने इसकी कई एग्जांपल्स दी हैं कि मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ऑफिस हैं जो कि सिर्फ एक फ्लोर की हद तक महदूद होते हैं, एक हॉल तक होते हैं। तो ऐसा नेटवर्क जो कि सिर्फ एक एक घर, एक बिल्डिंग, एक कैंपस, एक फ्लोर, एक बिल्डिंग की हद तक महदूद हो, तो हम उसको कहेंगे ये लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। अच्छा, जिस तरह हम ये इलेक्शन होते हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन हैं, नेशनल इलेक्शन हैं ना, तो ये डिफरेंट लेवल होता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से इनका भी डिफरेंट लेवल है। अच्छा, जो मेट्रोपोलिटन है तो मेट्रोपोलिटन किसी सिटी को कहता है, मतलब हर शहर मेट्रोपोलिटन नहीं होता, पहली बात ये बता दूँ, और हर मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है वो सिटी होता है। अब मतलब जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं दुनिया के अंदर, फॉर एग्जांपल कराची है, लाहौर है और बॉम्बे है, इसके अलावा इस्तांबुल है, इसके अलावा पेरिस है, दुनिया के जितने बड़े बड़े ममालिक हैं, लंदन है, उनके जो दारुल खिलाफा हैं वो बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर आते हैं। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शहर है, मैं उसको ये नहीं कह रहा कि वो छोटा है तो उसकी बुरी बात है, लेकिन हम हर शहर को मेट्रोपॉलिटन नहीं कह सकते। गुजर खान है तो मेट्रोपॉलिटन नहीं है, एक छोटा सा शहर है। तो कहने का मकसद ये है कि एक ऐसा नेटवर्क जिसकी जो जियोग्राफिकल कवरेज है वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी तक हो। इसका मतलब है कि अगर कोई नेटवर्क पूरे बड़े शहर में, कराची में फैला हुआ है, तो छोटे शहर तो कई छोटे शहर उसके अंदर आ जाएंगे, तो ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन। अच्छा, अब इसके बरक्स होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो बेसिकली किस बात पे डिपेंड करता है कि वो सिर्फ उसकी जो हदूद है वो एक शहर तक नहीं होती, वो प्रोविंसेस तक, स्टेट, सूबे, ममालिक, बर्र आज़म तक महदूद तक उसका अहाता होता है, तो ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इमरान, आपने क्या लिखा है, इतना कंफ्यूजिंग सेंटेंस लिखा है, नहीं सर कल का लेक्चर क्लियर है, मतलब है या नहीं है? हाफिज साहब, आपको बात क्लियर हो गई? अच्छा चलो, देखो कितना अभी देखें, ये होती है कम्युनिकेशन। सर क्लियर है, बिल्कुल छोटे से लग रहे हैं, पहले आपने ज्यादा अल्फाज लिखे और मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, अब आपने कम अल्फाज लिखे और ज्यादा बेहतर बात कर दी, गुड, नाराज मत होना। एनी हाउ आगे चलते हैं, और कोई सवाल जी? एनी कोई सवाल किसी किस्म का कोई हो तो मुझे बताएं। अच्छा जी, अब देखो ये सब लोग नई से क्यों शुरू करते हैं अपनी बात, है नहीं, या आप भी कह रहे हैं सर ऑल क्लियर, तो ये नई सर ऑल क्लियर का क्या मतलब है? सर ऑल क्लियर, वेरी क्लियर,
नहीं सर ऑल क्लियर, ये तो और सेंटेंस कंफ्यूजिंग हो गया। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि कल को जब इंटरव्यू में कोई सवाल पूछे तो जवाब ऐसे देना है जो कि बिल्कुल क्लियर हो। इमरान दिस इज नॉट अ गुड वे, क्लास में हम हंसने की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो सही, जो मैं आपको आप लोगों के इम्प्रूवमेंट के लिए बात कर रहा हूँ। किसी पे हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को, राइट याद रखें जितना प्रिसाइज टू द पॉइंट जवाब देंगे उतना चीज अच्छी होती है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं आज इंटरनेट की। ओके जी, अब आप लिखें इंटरनेट, सबके पास कॉपी पेंसिल होगी। इंटरनेट इज अ प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क बाय एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूज्ड टू फैसिलिटेट द इंटर द employees of the organization. It provides is not connected to the public nor accessible by the public. It has all the services available which are available over the internet. Services may include email, downloading, uploading, virtual meeting, ठीक है। तो इंटरनेट, इंटरनेट अभी हमने इंटरनेट की बात की थी, राइट, अब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं। इंटरनेट बेसिकली क्या होता है, ये एक प्राइवेटली ओन्ड, प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क का मतलब ये है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन की मलकियत होती है, उसकी पोजेशन में होता है।
अच्छा, दूसरी बात ये, पहली बात क्या होगी कि ये प्राइवेटली ओन्ड है, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने किसी से कनेक्शन नहीं लिया हुआ, मेरा नेटवर्क है, मैंने खुद बिछाया है। जिस तरह आप पीटीसीएल से इंटरनेट लेते हैं, तो आप सिर्फ पीटीसीएल से सर्विसेज ले रहे हैं। आप ये कहें कि मेरा इंटरनेट है, ऐसा नहीं है, इंटरनेट पीटीसीएल का है, यूज आप कर रहे हैं, तो आप यूजेज की पेमेंट कर रहे होते हैं एक्चुअली। लेकिन इंटरनेट क्या है कि हाँ, पीटीसीएल कहे कि मेरा नेटवर्क है, तो बात समझ आती है हाँ कि वो मलकियत है उनकी। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैंने किसी से कोई नेटवर्क सर्विसेज नहीं लेनी, बल्कि अपना एक नेटवर्क जो है वो डिप्लॉय करना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, तो मैं कहूँगा कि ये क्या है, इंट्रानेट है, तो प्राइवेटली ओन, पहली बात। दूसरी बात, ये विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर एक्सेसिबल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ इवन ऑर्गेनाइजेशन के सप्लायर को भी एक्सेसिबल नहीं होता, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी अवेलेबल नहीं होता है, राइट? ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को सहूलत देने के लिए होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो तीन बातें, प्राइवेटली ओन्ड है, बाय ऑर्गेनाइजेशन नॉट इंडिविजुअल, दूसरी बात फैसिलिटेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, तीसरी बात ये कि ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट करने के लिए है, और ये पब्लिक के साथ कनेक्टेड नहीं होता, ठीक है। चौथी बात, और जो चीज़ें हमें इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, लाइक हम डाउनलोडिंग कर सकते हैं, अपलोडिंग कर सकते हैं, या हम कोई वर्चुअल मीटिंग कर सकते हैं जैसे अभी हम कर रहे हैं, कोई हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, हम ईमेल कर सकते हैं, हम चैटिंग कर सकते हैं, इस तरह की जितनी जो जो काम हम इंटरनेट के ऊपर कर रहे होते हैं वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो बस ये इंटरनेट नहीं होता, ठीक है, ये इंटरनेट से ना कनेक्टेड, ना ये इंटरनेट है, ना ये इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, ये इंटरनेट से डिसकनेक्ट होता है, लेकिन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ब्रांचेस पाकिस्तान भर के अंदर हैं, तो वो क्या करेंगे, पूरे पाकिस्तान में अपना एक नेटवर्क डिप्लॉय करेंगे, जो कि किसी पब्लिक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। पब्लिक नेटवर्क से मेरी मुराद पीटीसीएल है, और इनका अपना नेटवर्क होगा। तो इंटरनेट क्या होता है, पहली बुनियादी चीज़ प्राइवेटली ओन है, बाय ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात क्या है कि वो एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट करने के लिए होता है। तीसरी बात क्या है, पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं होता है। चौथी बात क्या है कि इसमें तमाम वो सर्विसेज होती हैं जो हमें इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं, तो हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंटरनेट हम किससे लेते हैं, हम किसी आईएसपी से लेते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं, तो इसलिए वो हमारी मलकियत नहीं होती। बात क्लियर हो गई? ओके जी, अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रानेट की। आपको इंटरनेट भी समझ आ गया। अब एक्स्ट्रानेट समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक ये बात करूंगा, एक्स्ट्रानेट। हाँ जी हाफिज साहब, क्लियर नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है हाफिज साहब, मुझे पता था कि हाफिज साहब क्लियर नहीं होगा। क्या क्लियर नहीं हुआ पहले, अब ये मुझे क्लियर करेंगे। जी हाफिज साहब बताएं, क्या क्लियर नहीं हुआ पहले ये बताएं। ये मत कहना कि ये मुझे ये नहीं पता चला कि इंटरनेट क्या होता है। देखिए, एक होता है इंटरनेट, एक होता है इंट्रानेट। इंटरनेट ये है, देखिए मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। आप जिस जगह भी रहते हैं, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में रहते हैं, ठीक है, और आपको आपके घर में जो पानी आता है वो हो सकता है कि उस शहर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रोवाइड करती हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि आप कहें कि यार मैंने उनसे पानी का कनेक्शन नहीं लेना, मैं अपनी कोई बोरिंग करा लेता हूँ, ठीक है। अब जब पानी का कनेक्शन किसी और से लेंगे, अब मुझे इस लेवल पे आना पड़ रहा है समझाने के लिए, मतलब अदरवाइज बहुत और मिसालें भी हैं। तो बहरहाल आप कहेंगे कि भाई आप उनको सर्विसेज के चार्जेस दें, लेकिन आप कह देंगे भाई मैं बोरिंग करा लेता हूँ। तो आप बोरिंग करा लेंगे तो क्या होगा अल्टीमेटली, तो आप कहेंगे कि भाई
इस एक में होल्ड कीजिएगा। ओके तो इंटरनेट क्या है कि आपने इंटरनेट क्या है कि आप देखें इंटरनेट पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, इंटरनेट पे आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड होते हैं, ये बहुत अच्छी बात भी है लेकिन इसका एक नुकसान भी होता है कि आप इनसिक्योर होते हैं, राइट। इनसिक्योर क्यों हैं? क्योंकि आप पब्लिक में हैं और इसका मतलब है कि अगर आप पूरी दुनिया को एक्सेस कर सकते हैं तो कोई आपको भी एक्सेस कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कंसर्न क्या है? सिक्योरिटी। अच्छा, अब आप किसी दूसरे को तो ये नहीं कह सकते कि भाई तुम मुझे एक्सेस मत करो या तुम मुझे नुकसान मत पहुंचाओ। अगर आपको ये ख़तरा है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है तो दो तरीके हैं, या तो आप उसको रिक्वेस्ट करें कि भाई मुझे नुकसान ना पहुँचाओ, जो कि वाइज तरीका नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आप उस जगह से हट जाएं, राइट। तो इसीलिए कंपनीज क्या करती हैं कि कंपनीज जब ये देखती हैं कि हमें इंटरनेट पे फ़ायदा कम है और सिक्योरिटी रिस्क ज़्यादा है तो वो क्या करते हैं, अपने आप को इंटरनेट से डिसकनेक्ट कर लेते हैं, राइट। लेकिन डिसकनेक्ट करने का मतलब क्या है कि अब आप दुनिया से तो अलग हो गए लेकिन क्या अब आप अपने एम्प्लॉइज से भी आपस में जो रबता था वो ख़त्म कर दिया आपने? उस रबते को कायम रखने के लिए आप क्या करते हैं कि अपना एक ज़ाती मलकियत का नेटवर्क बिछाते हैं जो कि इंटरनेट नहीं होता, क्योंकि इंटरनेट कोई ओन नहीं करता। तो वो नेटवर्क जो कि इंटरनेट से हटकर है, आपकी मलकियत है और उस पर वो तमाम तर सहूलियात हैं जो इंटरनेट पे हैं, तो हम ऐसे नेटवर्क को क्या कहेंगे? इंटरनेट। मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि कभी आपने बैंक के थ्रू जिस तरह क्या कहते हैं गेम्स होते हैं, कॉलेजेस में पहले गेम्स हुआ करते थे कि इंटर प्रोविंशियल गेम्स या इंट्रा प्रोविंशियल गेम्स, ये दो चीज़ें हुआ करती थी, इंट्रा प्रोविंशियल या इंटर प्रोविंशियल। इंट्रा प्रोविंशियल का मतलब इंट्रा होता है विद इन, मतलब सूबे के अंदर, एक सूबे में जितने शहर हैं उनका आपस में कोई मैचेस हुआ करेंगे। इंटर प्रोविंशियल मतलब ये है कि सूबों के दरमियान। इसी तरह जब आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो एक लिखा आता है इंट्रा बैंक ट्रांसफ़र, दूसरा होता है इंटर बैंक ट्रांसफ़र। मतलब अगर आपका अकाउंट अस्करी में है और आप अस्करी से अस्करी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ये कहलाएगा इंट्रा बैंक विद इन द सेम बैंक। इंटर बैंक का मतलब होगा आपका अकाउंट एमसीबी में है लेकिन आप किसी दूसरे शख्स को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो कि एमसीबी के अंदर है, तो ये हो गया इंटर बैंक, राइट। तो बिल्कुल इसी तरीके से इंटरनेट है कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब एक और मसला हो गया कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज को तो आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लिया लेकिन अब आपका रबता ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ नहीं है, अब कैसे, अब क्या करें? तो अब आप क्या करेंगे कि आप अपने इंट्रानेट की एक्सपेंशन करेंगे लेकिन आप नहीं चाहते, कि आप चाहते क्या कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो, ठीक है। अब आप इंटरनेट से कनेक्ट भी नहीं होना चाहते और आप अपने स्टेक होल्डर्स के साथ भी कनेक्ट होना चाहते हैं, तो अब आप क्या करेंगे? लिखें
Extranet is a privately owned network by an organization that is used to facilitate the stake holders of the organization. The stake holders can be supplier, producer, distributor, banks, etc. ये लोग कौन है? ये लोग बेसिकली उसके स्टेक होल्डर्स हैं जो, अच्छा, और कस्टमर्स, ठीक है। तो एक्स्ट्रानेट का क्या काम है? एक्स्ट्रानेट का काम है कि ये भी प्राइवेटली ओन्ड होता है, लेकिन ये एक ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को या ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करता है किसके साथ? स्टेक होल्डर्स के साथ, जिनमें कौन कौन लोग आते हैं? उसके सप्लायर, उसके प्रोड्यूसर्स, उसके रॉ मटेरियल सप्लायर्स, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसके रिटेलर्स या उसके कस्टमर्स, ये लोग आते हैं। तो इंट्रानेट इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट करने के लिए विदाउट कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, इंटरनेट इज लोकल इज रिस्ट्रिक्टेड एंड लोकल नेटवर्क, ये रिस्ट्रिक्टेड लोकल नेटवर्क है, वही मैं कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात कि एक्स्ट्रानेट जो है वो क्या है? जी बिल्कुल ऐसी ही हाफिज साहब। तो एक्स्ट्रानेट क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपना एक नेटवर्क बनाए जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल हो, उसके स्टेक होल्डर हैं, तो ये एक्स्ट्रा नेटवर्क, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक लफ्ज में और ऐड कर देता हूं, इंटरनेट इज अ प्राइवेटली ओन्ड फिजिकल नेटवर्क। पता आप सब कुछ आपका होगा, ठीक है। मतलब ये कि अगर आप सोचें कि आपकी एक डिपार्टमेंट रहीमिया खान में है, एक पिशावर में है, एक लाहौर में, एक सकरदू में है, और आपने इन तमाम शहरों के दरमियान अपनी अपनी केबल्स बिछानी है, तो कितना खर्चा आएगा? इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट का, दोनों का एक बहुत बड़ा फायदा है। तो फायदा क्या है? सिक्योरिटी। क्यों? बिकॉज आप नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट, याद रखना ये बात। इन दोनों का बेनिफिट क्या है कि ये सिक्योर हैं, रिलायबल हैं। क्यों? क्योंकि कोई और इसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। लेकिन नुकसान क्या है? कॉस्ट, वेरी एक्सपेंसिव। क्यों? अब कॉस्ट में कैसी चीज़ आती है? आप तो CMAs हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आ जाएगी, अच्छा, फिर ऑपरेशनल कॉस्ट आ जाएगी, फिर मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगी, फिर अपग्रेडेशन कॉस्ट आ जाएगी, तो कई किस्म की इसमें कॉस्ट आ जाएगी। अब सब चीज़ें जब आपको खुद करनी पड़ेंगी तो बेतहाशा पैसा लगेगा, राइट? लेकिन क्या है बेनिफिट? क्या है? सिक्योरिटी। तो अब आप सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए कॉस्ट तो पे करनी पड़ती है, राइट? अब एक सोल्यूशन तो यह है कि इंटरनेट पे चले जाएं वापस, लेकिन उससे नुकसान क्या होगा? कॉस्ट बचा लेंगे बट एट द कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी चली जाएगी। अब इसका कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं, राइट, कि कॉस्ट भी कम हो जाए और सिक्योरिटी भी मेंटेन रहे। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल का मतलब क्या होता है? जो एक्चुअल आपका नहीं होता, होता किसी और का है लेकिन होता आपका है, राइट? ये ऐसे ही है जैसे कि आप किसी होटल में जाके टेबल रिजर्व करा लें, प्लीज, तब आप ये तो नहीं कह सकते कि होटल रिजर्व हो गया, आप ही कहेंगे भाई मेरी जगह रिजर्व है। अब आप एक ही सीट पर बैठ सकते हैं ना, ये तो नहीं कि मैं कहूँ पूरा होटल रिजर्व करा लूँ, मेरी मर्जी नहीं, एकदम मैं दो सीट पर बैठूँ, ये तो नहीं हो सकता। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसका सोल्यूशन है। इंटरनेट एक्सनेट का सोल्यूशन, क्या
बेनिफिट क्या है, सिक्योरिटी, लेकिन क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, कॉस्ट। पहले मैं ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बता दूं, फिर मैं आप लोगों से सवाल लेता हूं। वर्चुअल प्राइवेट ओन नेटवर्क क्या है, लिखें, इट इज अ प्राइवेटली ओन फिजिकल नहीं वर्चुअल नेटवर्क, खलाई लॉजिकली कंसेप्चुअली टू फैसिलिटेट दी इंटरनल टू फैसिलिटेट दी एम्प्लॉइज एज वेल एज स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू इंटरनेट एंड एक्सटर्नल। ये इन दोनों की कॉस्ट से कम है, लेकिन अब इंटरनेट की कॉस्ट अपनी है, एक्सटर्नल की कॉस्ट अपनी है। वीपीएन की कॉस्ट इंटरनेट अलग अलग कॉस्ट से भी कम है और कम्युलेटिव कॉस्ट से तो है ही कम, लेकिन बेनिफिट दोनों के दे रहा है वो। किसके बेनिफिट? इंटरनेट के बेनिफिट भी दे रहा है, एक्सटर्नल के बेनिफिट भी दे रहा है। इसलिए मैंने लिखा है टू फैसिलिटेट द एम्प्लॉइज एज वेल एज द स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट प्रोवाइड्स ऑल दोज सर्विसेस अवेलेबल ऑन इंटरनेट और इंटरनेट एंड एक्सटर्नल, ठीक है ना, ये सारी सर्विसेज आपको अवेलेबल होती है। मोर ओवर इसके अलावा द कम्युनिकेशन इज इंक्रिप्टेड ओवर वीपीएन। Furthermore, it dedicates a virtual channel for the organization. तो ये है basically VPN. बिल्कुल एक्सटरनेट भी इंटरनेट केबल के थ्रू बनाया जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी डिफरेंट इस्तेमाल होती है। बिल्कुल, कौन रेंटल होता है आपके साथ, क्या चीज रेंटल होती है? इंटरनेट और एक्सटरनेट रेंटल नहीं है, या आपके अपने हैं, डेडिकेटेड हैं। ये भी लिख लें एक लफ्ज, प्राइवेटली ओन डेडिकेटेड, जो सिर्फ आपके लिए रिजर्व, एक्सक्लूसिव, लेकिन ये भी एक्सक्लूसिव होता है। वो भी प्राइवेट है, ये भी प्राइवेट है। ये वर्चुअल है, वो फिजिकल है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब मैं समझाता हूं आपको। इसका होता ये है कि बेसिकली फॉर एग्जांपल हम करते क्या है, जैसे हम अपने ऑफिस की बात में आपको बताऊं कि हमने पीटीसीएल से कनेक्शन लिया हुआ, लेकिन पीटीसीएल की, हमने पीटीसीएल को ये कहा कि आप हमें अपनी केबल्स में से एक केबल दे दें, या एक केबल के ऊपर जितनी चैनल्स हैं उनमें से एक चैनल हमें दे दें आप, और उस चैनल के ऊपर सिर्फ हमारी ट्रैफिक जाया करेगी, राइट। तो हमने क्या किया, चैनल क्या होता है, मतलब मैं अगर ये कहूँ कि तमाम चैनल आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो एयर के थ्रू करते हैं। तो अब ये तो कोई शख्स नहीं कह सकता ना कि एयर को कहे, हवा को कहे कि भाई यहाँ हवा जो है वो मेरी मलकियत है, या मेरे मलकियाती क्या कहते हैं मेरे इख्तियारात हैं इसके ऊपर, ठीक है, मालकाना इख्तियारात हैं मेरे इसके ऊपर, तो ऐसा तो कोई भी नहीं क्लेम कर सकता। तो करते क्या है हम लोग, हम चैनल्स बना लेते हैं, जिस तरह FM 99 है, FM 100 है, FM 200 है, ये क्या है, ये चैनल्स हैं, ये सब हवा में है, लेकिन
हर एक का अपना अपना फ्रीक्वेंसी बैंड है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि पीटीसीएल की एक बड़ी केबल होती है, उस केबल में मुख्तलिफ बैंड्स होते हैं, तो कोई एक बैंड हम अपने लिए रिजर्व करा लेते हैं। तो बजाय इसके कि हम उस केबल की फिजिकल कॉस्ट पे करें, हम उस कॉस्ट में से उस चैनल की कॉस्ट पे कर देते हैं उसको। तो इससे क्या होता है कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। तो इंटरनेट में मैंने क्या करता है कि सब इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा, एक्सटरनेट में भी हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि प्राइवेटली ओन्ड डेडिकेटेड फिजिकल नेटवर्क। लेकिन उसमें मैंने क्या कहा था, एक मसला सबसे बड़ा फायदा क्या था, सिक्योरिटी। लेकिन मसला क्या बताया था, कॉस्ट। उस कॉस्ट फैक्टर को बींग अ सीएमएस रिड्यूस करने के लिए एक तजवीज पेश की गई कि भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर खुद मत डिप्लॉय करें, जो ऑलरेडी डिप्लॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर है या कोई ऐसा इदारा है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क भर में है, आप उसको कहें कि भाई तुम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक स्लॉट या एक चैनल मेरे लिए एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर दो, और उस चैनल के ऊपर फिर कोई और शख्स या इदारा बातचीत नहीं करेगा। अब क्या हुआ, नेटवर्क मेरा नहीं है लेकिन नेटवर्क के ऊपर चैनल मेरा है। कब तक, जब तक मैं उसके पैसे पे कर रहा हूँ। इंटरनेट, जब आप किसी से इंटरनेट लेते हैं तो आप इंटरनेट के पेमेंट कर रहे होते हैं, आप उस चैनल की पेमेंट नहीं कर रहे होते। क्योंकि कभी आप देखें कि आपने अक्सर नोट किया होगा कि घर पे इंटरनेट रात को आप बैठे तो तेज चलता है, इस वक्त बैठे तो स्लो चलेगा, क्योंकि शेयरिंग हो रही होती है। एक ही केबल के ऊपर आपके पड़ोसी का भी इंटरनेट आ रहा है और आपका भी नेटवर्क आ रहा है। वीपीएन में क्या है, उस केबल में मेरा ही नेटवर्क है। ऐसे ही है कि आप एक करीम पे सफर करें तो कोई भी नहीं है, लेकिन आप शेयरिंग बेसिस के ऊपर किसी कैब में ट्रैवल करें या ट्रेन पर ट्रैवल करें तो मल्टीपल लोग एक ही सवारी को कर रहे हैं, या चार्टर एरोप्लेन पे जाएं या पब्लिक एयरक्राफ्ट के ऊपर जाएं तो फर्क हो जाएगा ना। तो ये चीज है, मतलब मैं ये एक तरीका तो ये कि मैं कहूँ जहाज भी मैं अपना ही खरीद लेता हूँ। ओके, एक ऑप्शन ये है कि यार मैं जहाज नहीं खरीदता, मैं किसी चार्टर एयरक्राफ्ट को लीज पे ले लेता हूँ। एक ऑप्शन क्या है कि यार जिसमें सब बैठ के जा रहे हैं मैं भी जहाज में बैठ के जाऊँ, पब्लिक एयरक्राफ्ट पे जाऊँ। तो ये तरीका होगा। ये बात कुछ क्लियर हुई? ओके जी, अब हमने आज टाइप्स ऑफ नेटवर्क भी देखी, हमने बासें बासे मारी है, कोई और सवाल है किसी के तो पूछे। हैनी, अनवार, फैजान, फरहान, कोई सवाल? मुबशर, उसामा, सादिया, जुलैन, एनी क्वेश्चन?
ओके जी, गुड। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, कल के टॉपिक्स में से कोई और चीज तो रह नहीं गई। मैंने आपको इंटरनेट की टाइप्स बता दी ना कि इंटरनेट क्या होता है, एक्सट्रानेट क्या होता है, लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, राइट। इसके अलावा ईथरनेट क्या होता है, ईथरनेट नेटवर्क नहीं है। ईथरनेट मैंने बताया था कि लोकल एरिया नेटवर्क में, लोकल एरिया नेटवर्क में नेटवर्किंग की टेक्नोलॉजी का नाम है ईथरनेट। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आज की चैप्टर के चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है जी? आंसर में चैप्टर पढ़ना शुरू किया आप लोगों ने? पढ़ रहे हैं आजकल कि नहीं पढ़ रहे? बस ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो गया है। एक दो छोटी छोटी चीजें वो मैं बता देता हूँ आज, उसके बाद ये चैप्टर खत्म मेरी तरफ से, मैं नेक्स्ट चैप्टर पे चला जाऊंगा। ओके जी, अब हमारे पास आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, CRM एंड SCM। ये मैं पहले गाय बगाय कवर कर चुका हूँ। CRM स्टैंड फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और SCM स्टैंड फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर कोई आपसे सब पेपर में ये सवाल पूछे कि यार ई कॉमर्स के लिए, ई कॉमर्स या ई बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट सॉल्यूशंस क्या हैं, इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, तो आप कहेंगे ERP, EDI, CRM, NSCM। ये चार चीज़ें आपको लाजमी चाहिए। ठीक है, CRM और SCM बाज़ औक़ात ERP का अपना हिस्सा होता है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। आजकल जो ERP आ रहे हैं उसमें उसमें ये चीज इम्बेड होती है, इंटीग्रेटेड होती है ERP के अंदर। ठीक है, इसलिए आपको ये अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ERP के अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और CRM जो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेड होता है। अच्छा, अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का काम क्या है? देखें, अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल मेट्रो कैशन कैरी है, पंजाब कैशन कैरी है, या कोई भी और है, इम्तियाज कैशन कैरी है, उन्होंने लोगों तक अपनी चीज़ें पहुंचानी है, तो ज़रूरी क्या है? हो सकता है कि ये चीज़ें खुद, कुछ चीज़ें खुद प्रोड्यूस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी पंजाब कैशन कैरी या मेट्रो कैशन कैरी के ऊपर 25,000 प्रोडक्ट्स हैं। अब उन प्रोडक्ट्स में से हो सकता है कि जी वो 10,000 प्रोडक्ट्स खुद बना रहे हों, बाकी 15,000 प्रोडक्ट्स किसी से ले रहे हों, और वो जो बाकी 15,000 प्रोडक्ट्स हैं उनमें तकरीबन 300 सप्लायर हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि अब आपने इस तरह से उनके साथ कम्युनिकेट करना है कि आपकी शॉप के ऊपर किसी सामान या किसी इन्वेंट्री का जो लेवल है वो कम ना हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो। तो रीज़न मीन कि अगर इन्वेंट्री कम होगी, शॉर्टेज होगी, तो लोग मायूस होंगे, अगर इन्वेंट्री एक्सेस में होगी तो वेस्टेज होगा। तो फिर हमारा काम क्या है कि हमने प्रोडक्शन लेवल को भी देखना है, इन्वेंट्री लेवल को भी देखना है, हमने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखना है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए, जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्शन, इन्वेंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन या लॉजिस्टिक्स जिसको हम कह सकते हैं, तो क्योंकि लॉजिस्टिक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन प्लस वेयरहाउस दोबारा दोनों आ जाते हैं। तो बाहर कहने का मकसद ये है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली क्या होती है कि वो तमाम चीज़ें जो कि इस बात को मेक श्योर करें कि बनाने वाली की चीज़ जो है वो एंड कस्टमर तक पहुँचे,
इन चीजों को हम क्या कहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो वो उन तमाम एक्टिविटीज का मजमुआ, आई रिपीट के सप्लाई चेन, चेन चेन का मतलब कनेक्शन, चेन का मैनेजमेंट का मतलब उन एक्टिविटीज, तो चेन है उन एक्टिविटीज का कलेक्शन। सप्लाई चेन क्या है कि सप्लाई प्रोडक्ट्स के सप्लाई से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनकी मैनेजमेंट करना। अब उनको क्या कहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो उसमें मैंने आपको बताया कि मेन चीजें क्या हैं, प्रोडक्शन आ जाती है नंबर वन, इन्वेंट्री लेवल आ जाता है, वेयर हाउसिंग आ जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, राइट। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब ये अगर हम तमाम चीजें मैनुअल करेंगे तो मैंने आपको EDI में बताया था कि फिर कम्युनिकेशन में कितना डिले आएगा। तो फिर तो आप भूल जाएं कि आपके पूरे पाकिस्तान में अगर ग्रॉसरी आउटलेट्स का एक नेटवर्क है तो वहाँ पे कभी किसी जगह पे किसी प्रोडक्ट की शॉर्टेज होगी, कभी किसी जगह पे प्रोडक्ट की शॉर्टेज होगी। इसको मैनेज करने के लिए कि आपके तमाम स्टोर्स हर वक्त जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे भरे रहें, ना ज़्यादा हो ना कम हो, इस चीज़ के लिए जिन एक्टिविटीज़ को आपको मैनेज करना है उनको हम क्या कहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। समझ आ रही है मेरी बात की? अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट दो तरह की होती है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या हो गई, मैंने बता दिया एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें प्रोक्योरमेंट भी आ जाएगी, इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब दो तरह की सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है, दो तरह के बेसिकली बहाव हमारे यहाँ चेन होती है। एक होती है जिसको हम कहते हैं अपस्ट्रीम SCM और एक होती है डाउनस्ट्रीम SCM, ठीक है। ये जो अपस्ट्रीम SCM होती है इसका बेसिक काम क्या है, अपस्ट्रीम सप्लाई चेन जो है वो बेसिकली उन चीज़ों से रिलेटेड होती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोडक्शन करने के लिए जिन लोगों से रॉ मटेरियल लेना है और उसके दरमियान जो जो चीज़ें, मतलब आपने प्रोक्योरमेंट करनी है रॉ मटेरियल से, अब आपने रॉ मटेरियल अपने सप्लायर से लेना है तो सप्लायर से आपने प्रोक्योरमेंट करनी है नंबर वन। जब आप सामान लेंगे तो सामान की तरसील होगी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर वो सामान आप तक पहुंचेगा तो आप उसकी पेमेंट भी करेंगे। तो प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये हो गई अपस्ट्रीम, मतलब आपके और आपके सप्लायर के दरमियान जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो किससे रिलेटेड होंगी, वो अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड होंगी। मैंने कहा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या कौन सी चीज़ें आती हैं, मोस्टली प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप या तो खुद किसी से प्रोक्योर कर रहे होंगे या कोई आपसे प्रोक्योर कर रहा होगा, है ना। अपस्ट्रीम क्या है, आप और आपके सप्लायर के दरमियान जो प्रोक्योरमेंट हो रही है, चाहे आप कर रहे हैं, बेसिकली तो आप ही करेंगे सप्लायर से प्रोक्योरमेंट, जो आपके और आपके सप्लायर के दरमियान है, लॉजिस्टिक्स जो आपके और आपके सप्लायर के दौरान है दरमियान है, इन्वेंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके और आपके सप्लायर के दरमियान है, इसको हम कहेंगे अपस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और उनके रिलेशनशिप्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आप किसी भी प्रोक्योरमेंट किसी सप्लायर से रिलेशनशिप खराब हो जाए तो क्या होगा, आप रॉ मटेरियल नहीं पहुँचा सकते, आप तक पहुँचेगा जब आप तक रॉ मटेरियल नहीं पहुँचेगा तो आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे। अच्छा, उसके बरक्स डाउनस्ट्रीम क्या है, डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन में प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन या डिलीवरी लॉजिस्टिक्स कि वो तमाम एक्टिविटीज जो कि आप करेंगे अपने एंड कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आप जब चीज़ बना लेते हैं तो फिनिश गुड लेते हैं, आप फिनिश गुड बना लेते हैं, फिनिश गुड को आप किसको देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से आप किस तक पहुंचाने हैं, रिटेलर से होलसेलर तक, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से एंड कंज्यूमर। आपका काम ये है कि आप एक चीज़ बात को इंश्योर करें कि भले आपने डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुँचाना है तो डिस्ट्रीब्यूटर
का तो समा ब्रांड नहीं है ना, बेसिकली ब्रांड तो आपका है, आपने ये मेक श्योर करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो इंटेलिजेंट है, वो एफिशिएंट है, वो इफेक्टिव है। इसी तरह होलसेलर भी और रिटेलर भी। अब अगर डिस्ट्रीब्यूटर तक सामान आ रहा है लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर तमाम रिटेलर्स तक नहीं पहुंचा रहा, तो आपके तो कस्टमर्स का जो नेटवर्क है वो छोटा हो गया, तो इसलिए इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। तो एक होता है अप स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम। तो दो किस्म की सप्लाई चेन मैनेजमेंट होती है। अच्छा, तो अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है कि लॉजिस्टिक्स, सॉरी प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्शन, इन्वेंट्री, डिस्ट्रीब्यूशन, इनसे रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो आप और आपके सप्लायर के दरमियान हो या वो आप और आपके कस्टमर के दरमियान हो, तमाम एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस जो हैं इनको हम सप्लाई चेन में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसके बरक्स एक होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब जो आपका एंड कंज्यूमर है, आपके उसके साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आप उससे कोई प्रोडक्ट देते हैं तो उससे कोई फीडबैक लेते हैं, अगर कोई नेगेटिव फीडबैक आती है तो क्या आप उसको एड्रेस करते हैं, उसको प्रोडक्ट यूज़ करने में कोई शिकायत है तो आप उस कंप्लेन को कैसे हल करते हैं। इसी तरह अगर आपके कस्टमर्स हैं तो आप ये क्या सर्वे करते हैं कि आपकी कस्टमर्स की डिमांड्स क्या हैं, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनकी उनका ट्रेंड क्या है, वो क्या चीज़ चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप कस्टमर्स की डिज़ायर को नहीं पहचानेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, तो फिर आप उस वक्त तक क्या करेंगे, आप अपने कस्टमर्स को तो बढ़ा ही नहीं सकेंगे। एक चीज़ होती है उसको कहते हैं कस्टमर रिटेंशन। तो ज़रूरी क्या है कि हम मोस्टली क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लाते हैं, इनोवेशन लाकर लेकर आते हैं, क्वालिटी लेकर आते हैं, राइट। तो इनोवेशन और क्वालिटी के थ्रू आप रिलायबिलिटी लेकर आते हैं, तो इनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, अगर आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन रखें और आप अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेटिव बनाते चले जाएं तो लोग आपकी प्रोडक्ट्स को ख़रीदेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो क्या है कि आपने अपने कस्टमर के साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, और उसका मकसद क्या है कि आपके कस्टमर्स कहीं ना जाएं, आप तक रहें, कस्टमर रिटेंशन, आप बल्कि दूसरों के कस्टमर्स को काबू करें, अपने कस्टमर्स को लूज ना करें, कस्टमर्स को रेस्पेक्ट दें, कस्टमर्स को जानें, उनकी नीड्स को पहचानें, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पहचानें, उनकी डिमांड्स को पहचानें, उनकी फ्यूचर नीड्स को पहचानें, उनके ट्रेंड्स को पहचानें। अगर आप ये कहेंगे नहीं जी आप वो ख़रीदें जो मैं चाहता हूँ, जो मैं बना रहा हूँ, बल्कि आप वो बेहतर है, या आप ये करें कि आप वो बनाएं जो कि दूसरा चाहता है, तो आप ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे। तो कहने का मकसद है कि ई बिज़नेस करने के लिए हमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन पर बड़ा फोकस करना है। तो सबसे पहला हल क्या है कि हम इन दोनों प्रोसेसेस को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन होगी तो सिंप्लीफिकेशन होगी, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग होगी, इनोवेशन होगी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी। ये बात कुछ क्लियर हुई? जी कोई क्वेश्चंस? बासिम जी सर, ये जरा अनम्यूट करें सबको। ठीक है सर, पहले मैं म्यूट करूं, अनम्यूट करो एनी को। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी एनी, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, मुझे सब क्लियर है। ओके, इसके अलावा भी अगर प्रीवियस लेक्चर्स में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सर नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बस एक चीज में मुझे डाउट हो रहा है, वो भी आपसे रिलेटेड नहीं है, बस वो ये है कि आपकी जो स्टार्टिंग वाली मैंने वो निकाली हुई है, स्लाइड्स ली हुई है, उसमें सर ये फाइनेंस सिस्टम और ये सब उसमें है, लेकिन ये मुझे डाउट हो रहा है कि शायद आपने ये नहीं पढ़ाया, जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और ये सब आ रहा है। हाँ, ये आगे आएगा अभी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के जो मेथड्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया सर, बाकी अब तक का सारा क्लियर है मुझे। ओके, ये आप बस नोट करके रखिएगा, अभी मैं इसके बारे में भी बताता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का जो मेथड्स हैं। तो बहरहाल ये अभी हमारा, आपने बुक डाउनलोड कर ली है, बुक आपके पास है? बुक मेरे पास है, हार्ड फॉर्म में है। ठीक है, अब आपने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, फिर मैं क्योंकि फर्स्ट चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि जो ये मैं बाकी लोगों के लिए भी कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि अगर कोई टॉपिक मैंने छुड़वा दिया है तो आपने नहीं करना, आपने उसको करना है,
क्योंकि बहुत सारे अब आप प्रोफेशनल लेवल के ऊपर हैं, मैं बहुत सारी बातें, अब जैसा मैंने ईआरपी कब से मैं ईआरपी पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैंने आज बहुत मतलब सप्लाई चेन में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मैं पहले बहुत चीज़ें बता चुका हूँ ये सब बातें। तो बस कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि मैं गाहे बगाहे बताता रहूँगा, और जब वो टॉपिक पे आऊँगा तो मैं ये कह दूंगा कि भाई टॉपिक तो मैंने करा दिया है। तो क्योंकि कुछ चीज़ें आपको अपने हिसाब से मैनेज करनी पड़ती हैं, तो ये चैप्टर पढ़ें, कोई चीज़ मुश्किल हो जिसे आपने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैथड का कहा है तो अब आप ये पढ़ें खुद से, इसमें देखें कि क्या चीज़ें हैं। ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कुछ टॉपिक, जो टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा होंगी उनको मैं एड्रेस करूँगा। तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैथड जो है वो आप सबने पढ़ने हैं, अगर कोई मसला आएगा तो हम करेंगे। इससे रेलिवेंट एक और चीज़ है, मुझे इसमें जस्ट एक चीज में प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे बाकी सबका आइडिया है, उसमें जस्ट ये जो ईएफटी और टीटी ये नहीं मुझे पता, बाकी सारा मुझे पता है इसका। कौन सा सर आपने लिखवाया हुआ है ईएफटी और टीटी, फर्स्ट आता है चेकिंग अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फिर स्मार्ट कार्ड है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश है, ये सारा मुझे पता है। ठीक उसके है, बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है EFT/TT, इसका नहीं मुझे समझ आया। जी जी EFT के बाद आपने क्या बोला, वो मुझे समझ नहीं है क्या बोला। स्लैश टी टी, टी फॉर टेबल, टी 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 फॉर टेबल। जी ओके, EFT का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक हो गया। ठीक है। ये बेसिकली जिस तरह जब हम ये डिजिटल करेंसी के ऊपर आ जाते हैं, या जिस तरह हम अपने बैंक अकाउंट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बिल्स की, सॉरी अपने इंटरनेट बिल की, अपने घर की यूटिलिटी बिल्स की, अपने स्विगी गैस बिल की, टेलीफोन बिल की पेमेंट करते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो जब आप पैसे को फिजिकल फॉर्म के बजाय डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहते हैं। सर एग्जांपल लाइक अभी हमारे पास अगर ऑनलाइन अकाउंट है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं तो वो ईएफटी में आएगा। बिल्कुल, EFT में आएगा। अच्छा, अब आप जरूरी नहीं कि अब आप जो है वो क्या कहते हैं बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करें तो वो EFT है। आप अगर वेस्टर्न यूनियन की तरह ट्रांजेक्शन कर देते हैं तो वो भी बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। और आजकल तो आपको पता है कि शायद क्या कहना चाहिए, ये किसी को शायद आप लोगों को आइडिया हो, इसको कहते हैं डिजिटल पेमेंट, कौन सी पेमेंट? जो ये क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो ठीक करेंसी हो का गया नाम सर। सुना है? ओके, सर ये मैंने जिसमें एक वो एग्जाम्पल। कॉइन्स आ जाते हैं, बिटकॉइन्स जी और जी वो सब। बिल्कुल, बिटकॉइंस, बिल्कुल। जी ये जी क्रिप्टो, ये सर बेसिकली डिजिटल क्रिप्टो करेंसी कहलाती है। तो TT जो आपने बोला है इसको कहते हैं टेलीग्राफिक ट्रांसफर, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। EFT या TT, TT पुराना नाम है, EFT नया नाम है। और सर बेसिकली जब आप इसकी मिसाल दे इसकी देता कोई हूँ, एग्जांपल फॉर बताएंगे? एग्जाम्पल मैं अगर ये कहूँ कि जी मैंने कोई चीज बेच रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, और मेरा कोई कस्टमर इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया से वो मुझे पैसे भेजता है। अब वो इंडोनेशिया से मुझे कैसे पैसे भेजेगा? एक तरीका तो ये है कि वो पेपॉल के थ्रू भेजे, शायद आप लोगों को पेपॉल का पता हो। ये सब लोग अपने बात लिखते जाएंगे, अच्छा टॉपिक डिबेट हो जाएगी। तो पेपॉल पाकिस्तान में तो चलता नहीं, अब वो कैसे पेमेंट करेगा? अब वो करेगा जी वेस्टर्न यूनियन, लेकिन वेस्टर्न यूनियन पे कुछ पाबंदियां हैं, कुछ पाकिस्तान में पाबंदी नहीं, लेकिन किसी हद तक हम अमाउंट मंगवा सकते हैं। सर फिर ये हम क्या करते हैं, वो टीटी लगवाएगा जिसमें वो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करेगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम क्या ठीक करना हो गया पड़ता है कि सर। हमें कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, उसमें हम उसको कहते हैं कि भाई तुम बैंक ट्रांसफर करो, इसको वायर ट्रांसफर भी कहते हैं, और आसान लफ्ज जी में इसको सर TT बोलते थे। तो TT मीन टेलीग्राफिक ट्रांसफर, राइट। ठीक हो तो गया ये सर। होता बेसिकली क्या है कि एक बैंक से दूसरे बैंक, दरमियान में कुछ और बैंक भी शामिल हो जाते हैं जो कि इस ट्रांजेक्शन को इंश्योर करते हैं, कंप्लीट बनाते हैं, तो उसको कहते हैं TT, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। ठीक है। और सर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में CAM, CM इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये जिस तरह आप ये देखें कि आजकल जो बड़ी बड़ी चिप्स बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, या इवन चलो सीमेंट बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, ईंट बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, जहां भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, भले किसी चीज की हो रही हो, जब आप मशीन्स के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और वो मशीन भी सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड मशीन हों, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक हो गया सर, क्लियर हो गया, मेरी तरफ से डन हो गया सर। ओके जी, आप जॉब करती हो? करती थी सर, ओके राइट, बैंक दैट्स में गुड। थी बैंक में? ओके, आप इस्लामाबाद बेस्ड हो, कराची में, कहीं और हो? सर, मैं फैसलाबाद से हूँ। ओके राइट, चलें, दैट्स गुड। समझ आ रही है अब तक चीजें आपको? जी सर, मैं मुझे सारा क्लियर है क्योंकि मुझे खुद भी सॉफ्टवेयर का काम आता है ज़्यादा, कंप्यूटर का।
क्या काम आता है? सर मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ जबरदस्त, जी चलिए सर, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इसलिए मुझे फिर क्लियर आपसे है सारा। वक्त के साथ साथ और भी मैं इस तरह सेशन रखूंगा ताकि हर लेक्चर में एक एक से बात होती रहे। ये मेरे जी ख्याल से ठीक ज्यादा होगा सर, बेहतर तरीका है, बनिस्बत मैं सबको ही अनम्यूट करा लूँ सर। तो वन बाय वन करूंगा तो सब कोऑर्डिनेशन में भी रहेंगे और ये ज्यादा बेहतर डिसिप्लिन तरीके से कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो जी विल ठीक गेट बैक होगा, टू यू, थैंक यू वेरी मच थैंक यू वासिम। सर। अब आप नेक्स्ट करें, नेक्स्ट में कौन है? ओके सर, ओके सर, अनम्यूट करें फिर, सॉरी पहले म्यूट करें फिर नेक्स्ट को अनम्यूट करें। जी यानी सॉरी अनवार अहमद कौन अनम्यूट हुआ? कोई अनम्यूट हुआ है बासिम? अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल से मैसेज जाता होगा कि अनम्यूट आप ओके कर लें। सर मैं कहता हूँ नहीं हो रहा तो नेक्स्ट पे चले जाएं। सर, ओके सर, मैंने उनको वैसे वो भेजा है नोटिफिकेशन अनम्यूट करने का। ठीक है आप आगे आ जाएं, कोई बात नहीं, वो जब आ ओके जाएंगे सर, तो। जी फैजान, जी सर, फिजान अहमद को किया आप ओके नाम फैजान बताओ। अहमद है। वालेकुम सर सलाम फैजान, जरा ऊंचा बोलेंगे। जी जी सर, फैजान, अब तक तो कोई मसला? नो सर कोई इशू नहीं है। आप शुरू से क्लास ले रहे थे आज की और शुरू से क्लासेज ले रहे थे पुरानी? सर मैं शुरू से नहीं सर, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है मेरी सर, ओके आप कहाँ, किस शहर से हैं, इस्लामाबाद से हूँ। आपके साथ एक फिजिकल क्लास के लिए इस्लामाबाद क्या कैंपस है? में सर, मैं इस्लामाबाद से हूँ, आपके साथ फिजिकल क्लास भी ली थी एक मैंने इस्लामाबाद कैंपस अच्छा चलें दैट्स गुड। तो कोई कोई मुश्किल हो किसी किस्म की? में। नो सर, सर ये आप ये कस्टमर एक्सटेंशन टेक्निक्स में क्रॉस सेल और अपसेल आता है सर, वो समझा दें कस्टमर में क्या होता है? सर। ये कस्टमर एक्सटेंशन सीआरएम में जो कस्टमर एक्सटेंशन टेक्निक्स है उसमें क्रॉस सेल और अपसेल आता है, तो वो अगर समझा दें। ये मुझे जो आपने भी बोला है मुझे समझ आवाज कट गई। सीआरएम में कौन सा सेल है? सर ये आप टेक्निक नहीं होती अपसेल और क्रॉस सेल, अपसेल और क्रॉस सेलिंग। अपसेलिंग, जी सर। देखें ये अपसेलिंग बहुत आसान है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, ठीक है सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर, जी तो आप जी जाते हैं फॉर एग्जाम्पल होंडा जाते हैं, होंडा सिटी आप खरीदते हैं। अब जी जी होंडा ने अपनी होंडा सिटी के मल्टीपल लेवल्स बनाए हुए हैं भाई। एक में वो कहता है कि जी एक है बेस लाइन, बिल्कुल बेसिक वर्जन, ठीक है। ठीक अच्छा है फिर वो सर, कहते हैं कि जी एक और वर्जन है जो बेसिक वर्जन है, वो कहते हैं जी 16 लाख रुपए का। अच्छा फिर वो ठीक है कहते हैं कि सर, जी इसका एक और वर्जन है जिसको वो कुछ और नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिटी सिटी आई कह देते हैं। वो कहते हैं कि जी इसके अंदर जीपीएस भी है, ठीक है, जी और जी इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं थंब इम्प्रेशन भी है, ठीक है। तो हाँ ये सर, उसके बाद वो आपको बताते हैं कि इसके भी ऊपर वर्जन है। वो कहते हैं कि इसके अंदर तो सनरूफ भी है और इसमें ऑटो ठीक है सर, ट्रांसमिशन भी है, इसमें ठीक एबीएस है, भी है। तो आप जी खरीदने गए थे बेसिक सिटी, जब आप बाहर ठीक है, ठीक निकले तो आप लेकर आए सबसे ऊपर वाली सिटी, ठीक है सर, है। तो जो कंपनी थी उसने क्या किया, उनके जो सेल्समैन थे उन्होंने आपको इस बात पे कायल करने की कोशिश की कि जो प्रोडक्ट आप लेने आए हैं आप वो प्रोडक्ट तो खरीदें बल्कि आप थोड़े से ज्यादा पैसे डाल के उस प्रोडक्ट का जो अल्टीमेट वर्जन है वो खरीदें। ठीक है सर, बात समझ आई? ओके सर, आ गया, तो ये है आपकी क्या कहना चाहिए क्रॉस सेलिंग, सॉरी ठीक अप है सर, सेलिंग। बात क्लियर हुई? ओके सर, क्लियर हो गया, अच्छा जी अब मैं आपको बताता हूँ क्रॉस सेलिंग। क्रॉस ओके सर, सेलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप क्या कहना चाहिए एक चीज खरीदने गए, मोबाइल खरीदने गए जगह पे,
ओके सर। ठीक है। और आपको ये कहा गया कि भाई आप एक काम करें कि इसके अलावा आप एक मतलब आपने मोबाइल खरीदा तो वो आपसे कहेंगे जी आप एक काम करें इस मोबाइल के साथ साथ आप ये मोबाइल की जो एक्सेसरीज है ये भी खरीदें। ओके सर। ठीक है। अच्छा, अब आप अक्सर आप देखें कि जो लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं तो वो आपको कहते हैं कि सर मोबाइल के साथ आप इसका वो भी ले लें, क्या होता है, एसडी कार्ड भी ले लें। तो ओके सर। आप कहेंगे हाँ यार ये तो जरूरी है। तो आपने कहते अच्छा यार ये भी दे दो। फिर वो आपको कहेगा यार सर एक काम करें आप हैंड फ्री भी ले लें, बड़े जबरदस्त है। आप कहेंगे हाँ बात तो सही है यार, ये तो जरूरत है। फिर वो कहेगा भाई आप एक काम करें सर ये स्क्रीन प्रोटेक्टर भी ले लें। आप कहेंगे यार ये भी ठीक कह रहा है। फिर वो कहेगा भाई आप एक काम करें आप गाड़ी पे सेफ्टी नहीं होगी अगर आप मोबाइल सुनेंगे तो आप एक डैशबोर्ड स्टैंड भी ले लें। आप कहेंगे यार ये बात भी सही कह रहा है। तो कहेंगे सर आप गाड़ी में भी तो बैटरी खत्म हो सकती है, गाड़ी का चार्जर भी ले लें, एक यूएसबी कन्वर्टर भी ले लें। आप लेने गए 10,000 की चीज आपको बिल बना के भेजा 20,000 रुपये, बड़े खुशी खुशी के साथ, खुशी खुशी। आप किसी रेस्टोरेंट पे गए, उसने आपने कहा कि भाई मुझे बर्गर चाहिए, तो वो कहेगा जी सर डू यू वांट टू टेक सम प्राइस, कहते हैं ना अक्सर लोग। जी सर। ठीक, तो ये है क्रॉस सेलिंग। एक प्रोडक्ट के अलावा दूसरी प्रोडक्ट ले लो साथ साथ जो रिलेटेड है, तो क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग। ओके समझ आ गई? सर, समझ आ गई। ओके, और कोई सवाल? नो सर, और कुछ नहीं। आप जॉब करते हो? नहीं सर, मैं जॉब नहीं कह रहा। ओके राइट, चलें, थैंक यू वेरी मच। बासेम, नेक्स्ट प्लीज। ओके सर। लग ऐसा रहा है कि चलें, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। आप कौन अनम्यूट है भाई? फरहान, अरफरहान सलाम अलैकुम। ऐसा लग रहा है मैं रेडियो ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, लेकिन एनी हाउ जो सवाल आते एनी ने पूछे, टीटी और ईएफटी, इससे पहले फैजान ने पूछे, अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, मुझे खुशी हुई कि ये लोग पूछ रहे हैं, ताकि इससे वो चीजें जो मैंने आगे बतानी थी या रेलिवेंट चीजें थी तो अभी पता चल रही है। गुड, दैट्स गुड, नाइस स्प्रेड। जी जी फरहान, फरहान कैन यू हियर मी? फरहान सर अब फरूख को जी, की है। फारूक कर दें। ओके, फरहान इज नॉट अवेलेबल। फारूक आर यू देयर? यार ये लोग तो ऑनलाइन होके चले जाते हैं, मैं भी ही करता हूँ कल से। फारूक भाई वेयर आर यू? चलें जी, ये भी नहीं है, आगे चलें। ओहो, सर हाफिज साहब को। हाफिज साहब आ गए। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम अनम्यूट। सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं हाफिज साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं सर? खैरियत से? आप तो मुझे जान ही नहीं देंगे यार। जी सर। सर मुझे दो तीन क्वेश्चंस पूछने हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, दो तीन पे इकट्ठा हो गया। चल जी बताइए। अच्छा सर, मैं मेरे पास हार्ड बुक है ना, उसमें टॉपिक है ई बिजनेस सॉफ्टवेयर, जो भी आप पढ़ा रहे हैं ना, जैसे सीआरएम और एससीएम। इसमें एक है ईआईए, ये मुझे समझ नहीं है, ये क्या चीज़ है क्या है ई सर? ईआईए आई ए? जी, इससे बन क्या रहा है, वहां पे क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन एप्लीकेशन, सॉरी एंटरप्राइज इलेक्ट्रॉनिक, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन, दोबारा वो, अभी आपने नाम चेंज कर दिया। क्या है? इंटरप्राइज इंटीग्रेशन एप्लीकेशन। हाँ, ये मैंने आपको क्या ईआरपी का क्या बताया था, मैंने बताया। सर ईआरपी तो आपने बताया था ना कि ओवरऑल वो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं और जितने भी इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, उन सबको एक जगह करके एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको कंट्रोल करना। ऐसे ही है कि मैंने आपको ये बताया था ना कि ईआरपी का बड़ा बेनिफिट ये है कि ईआरपी जो है वो बेसिकली मल्टीपल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को एक जगह पे इंटीग्रेट कर देता है। ठीक जी बिल्कुल ऐसे ही सर। है। अच्छा, अब इसके अलावा बेसिकली क्या होता है कि बाज़ुकात हम ईआरपी नहीं ले पाते। ठीक है। ठीक और लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, लेकिन वो होते मुख्तलिफ हैं। ठीक सही है। लेकिन वो आपस में कंपेटिबल भी नहीं होते। ठीक
मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होने की वजह से। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होने की, अच्छा डिपार्टमेंट होने की वजह सिर्फ नहीं होती कंपेटेबिलिटी की, बहुत बड़ी वजह होती है टेक्नोलॉजी की। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ जी जी कि आप कोई एप्लीकेशन एंड्रॉइड पर डाउनलोड करते हैं तो कहाँ से डाउनलोड करेंगे? प्ले स्टोर से। कौन से प्ले स्टोर से? गूगल प्ले स्टोर है। कभी वो एप्लीकेशन एप्पल के आईओएस से डाउनलोड करें? वहाँ पे चलेगी नहीं सर उसे। चलेगी नहीं। देखा आपने जवाब दे दिया, बहुत अच्छा, की आसानी कर दी। अच्छा अब मैं कहूँ कि एंड्रॉइड की एप्लीकेशन चलाएं एप्पल पे, चलाएंगे? नहीं चलेगी सर। क्यों नहीं चलेगी आपके साथ? एंड्रॉइड की एप्लीकेशन एप्पल पे? हाँ, सर ये नहीं दो चलेगी। डिफरेंट 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 है ना सर, ये दोनों एक क्या दूसरे को डिफरेंट है? एक्सेप्ट नहीं। सर ये दोनों डिफरेंट है ना सर, क्या डिफरेंट है आपके साथ? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का डिफरेंट है। अपना बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसका मतलब है दोनों में क्या नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम इन दोनों के एक जैसे नहीं है अरे भाई दोनों में कंपेटिबिलिटी नहीं है। नहीं, जी सर, सॉरी कंपेटिबिलिटी नहीं, आपने बताया क्यों था नहीं याद है? है। क्यों नहीं है? अरे दोनों अलग अलग है ना सर, इसीलिए। भाई दोनों अलग अलग क्यों नहीं है? दोनों की टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ है, ठीक जी बिल्कुल है ना? सही बात समझ आ गई? अब यही जी बात सर, होती कॉन्सेप्ट है, क्लियर। यही बात होती है ऑफिस इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी। दो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे बनी हुई, एक लाइनिक्स का बना हुआ है, एक विंडोज बेस है, तो चलेंगी नहीं आपस में। अब उनको चलाना है, एक ऑप्शन तो था कि ईआरपी ले लें, अब लेकिन अब ईआरपी तो ख्याल ही नहीं आया, हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम ले लिया। अब एक तो ये कि दोनों सबको स्क्रैप कर दो, ईआरपी ले लो, लेकिन ये तो कोई हल ना हुआ भाई। इंफॉर्मेशन सिस्टम अब चलाना है तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कोई दरमियान की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। तो एक टेक्नोलॉजी, एक मैं नया नाम लेने लगा हूँ आज, उसको कहते हैं मिडलवेयर। एक तो होता है ना सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है जी जी मिडलवेयर, जो कि इन सही। दोनों के बीच में ब्रिजिंग करेगा। बात समझ आ रही है? जैसे कल परसों आपने ईडीआई बताया था हाँ जी जो। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली ईडीआई बताता। बिल्कुल इसी तरीके से हम ईडीआई की तरह के कुछ और सर्विसेज, सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजीज, सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो नॉन कंपेटिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू शनीद कर सकें। कुछ बात समझ आई? ठीक जी, यहाँ तक क्लियर है। तो उनको हम क्या कहते हैं, उन टेक्नोलॉजीज को या उन सॉफ्टवेयर्स को जो दो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज के टर्म को आपस में मिलाएं, हम उनको क्या बोलते हैं, ई ए आई। सही, ठीक है आप सर। बुक में लिखा हुआ है ई आई है ना, EIA बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है। वो अमूमन उसको पढ़ा जाता है ई ए आई, इंटरप्राइज एप्लीकेशन इंटीग्रेशन। लेकिन नहीं, आओ चलो, इसलिए मुझे कंफ्यूजन है आप क्या कह रहे हैं, तो ई ए आई कहते हैं हम उनको, लेकिन चलो ई आई भी चलेगा, कोई बात नहीं। आगे बताएं कोई और सवाल। सर ये एक आप टॉपिक सेलिंग यहाँ समझ तक आई? कि जी सर। आप सेलिंग समझ आई? आप सेलिंग, सर ये भी मुझे, ये भी मैं पूछने वाला था, ये भी मुझे क्लियर अरे नहीं हुआ ना, भाई अपसेलिंग और ना क्रॉस सेलिंग। दोनों नहीं समझ आए? नहीं सर मुझे दोनों क्लियर नहीं हुआ, ये मुझे समझ नहीं आया, ये ये मैंने है क्या, किसको बताया था अभी? ये अपने फैजान था या फरहान था, इनमें से कोई था। ये लो, आपको तो ये याद नहीं रहा, तो आपको ये कैसे पता चलेगा किसको बताया था मैंने, क्या बताया अभी था? सर अब एक अभी काम मुझसे करते हैं, चलें जी एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। वासिम, जी सर, वासिम, वासिम, जी ये सर, जो हाफिज साहब से पहले कौन साहब थे? इनसे पहले फरुख थे सर, नहीं फरुख तो फरुख आई नहीं थी, फरुख से पहले फैजान। नहीं है, फरुख नहीं। अच्छा फैजान थे, और फैजान से पहले थे सर अनवर नहीं, फैजान को अनम्यूट करें जरा, इनको अहमद। म्यूट, ओके इनको सर, अनम्यूट ही रहने दें, हाफिज साहब को रहने दें, उनको भी अनम्यूट करें। हाफिज साहब किस शहर से? हाफिज साहब जी सर, सर मैं कराची से हूँ कुछ जी। समझ आ रही है वैसे? हाँ सर क्लियर तो बहुत रहा है, फर्स्ट टाइम इस तरह से मतलब ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करूँ, लेकिन थोड़ी कन्फ्यूजन तो है, लेकिन हो जाता है मैनेज। कोई बात नहीं, मैनेज तो हो जाता है, मुझे पता है कितना मैनेज करना पड़ता है। अच्छा जी कौन सर है? जी फैजान आ गया। फैजान, कहाँ है फैजान? आप आगे फैजान, जी जी सर, अभी मैंने आपको अपसेलिंग बताई थी ना, आपको यस सर बताई थी क्रॉस सेलिंग बताई थी, जरा हाफिज साहब को बताएं अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग क्या होती
सर क्रॉस सेलिंग बेसिकली आप जब अपना प्रोडक्ट बेच रहे होते हो ना, तो आप अपने प्रोडक्ट के साथ कोई एडिशनल प्रोडक्ट अगर बेचो ना, तो उसको क्रॉस सेलिंग कहते हैं। मतलब मैं एक्सीलेंट मोबाइल बेच रहा हूँ एक, यस सर सर जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्सीलेंट कह मैं रही मतलब हूँ। हम एक मतलब आईफोन अपना फोन बेच रहा है, ठीक है, आईफोन अपने फोन के साथ मोबाइल का केस भी दे रहा है, हैंड पीस दे रहा है, या इस तरह की चीजें। हम मार्केट जाते हैं, कोई फोन लेना बिल्कुल तो उसके ऊपर प्रोटेक्टर लगवा लेते हैं, सही है। अच्छा फोन में एक और प्रोसेसर। मिसाल मैं दे दूं, बिल्कुल सही है। मैं तो यहाँ पे, चलो आपने मेरी मिसाल रिपीट कर दी, लेकिन मैं, हाफिज साहब कभी कैमरा खरीदा है, डिजिटल कैमरा, नहीं सर कभी नहीं खरीदा सेल्फी लेते हैं? सर, शौक नहीं थे सर, इन चीजों का मुझे शौक नहीं सर, मैं नहीं करता ये अच्छा सब चलो कोई सर। बात नहीं, हो जाएगा वक्त आने पे। बाहर अगर हम कोई कैमरा खरीदते हैं तो जब तस्वीरें लेंगे तो आप तस्वीरें मेमोरी में सेव करेंगे ना, तो आपको एसडी कार्ड चाहिए होगा। अब जी मैं बिल्कुल कैनन सर, ऐसे कैमरा ही लेता हूँ तो मैं कहूंगा यार मुझे एसडी कार्ड दे दो। अच्छा अब एसडी कार्ड मैं लूंगा तो तस्वीरों को कंप्यूटर में भी तो ट्रांसफर करूंगा, तो मुझे एसडी बिल्कुल कार्ड रीडर भी चाहिए होगा। तो मैंने बिल्कुल कैमरा लिया, कैमरे के साथ मोबाइल, वो कैमरे के साथ क्या लिया, एसडी कार्ड लिया, एसडी कार्ड के लिए मैंने एसडी कार्ड रीडर लिया, फिर मैंने कहा यार एक वायरलेस भी ले लूं, है ना। तो ये चीज जी है, जी तो बिल्कुल ये होती है क्रॉस सेलिंग, एक प्रोडक्ट के साथ और एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स भी दे दो। अब ठीक, सेलिंग यानी क्या कि होती है, आप एक प्रोडक्ट लेने गए, आप जी मेरे पास आए मेरी शॉप पे, कहने लगे जी मुझे कोट चाहिए, आपने कहा मेरी इतनी रेंज है, मैंने आपको जब भेजा कन्विंस करके तो आप सबसे महंगा कोट लेके गए, ये क्या हो गई अपसेलिंग। जो चीज लेने आए थे मैंने वही दी, लेकिन उसका सबसे कीमती वर्जन दिया। नहीं समझ आया सर ये मुझे। केएफसी गए कभी? अल्लाह नहीं सर, माफ करे, क्यों खैरियत? घूमने फिरने का शौक नहीं है, सिर्फ एक जॉब पर, जॉब से फिर यहाँ पढ़ना, फिर टाइम हो जाते सो जाते हैं। जॉब कहाँ करते हैं आप? सर मैं टेक्सटाइल सेक्टर में होता हूँ, अकाउंट की फील्ड में, अकाउंट डिपार्टमेंट में होता हूँ, कौन सा टेक्सटाइल है, मतलब रऊफ टेक्सटाइल कराची में। क्या बनाते हैं? सर वहाँ कपड़ा प्रोसेस करते हैं, फैब्रिक जितने भी आते हैं उनको प्रिंट करते हैं, उनको उनके डाइंग वगैरह होती है सारी, इस तरह से। मतलब फॉर एग्जांपल जेंट्स की शर्ट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जी उसमें नहीं नहीं फैब्रिक सर, ही तो कॉल। मतलब मुख्तलिफ कपड़े आते हैं, जैसे आर्मी से कपड़ा आ जाता है, उनको प्रोसेस कर देते हैं, प्रिंट करके दे देते हैं, एक्सपोर्ट होती है बाहर, तो वहाँ भी अच्छा कपड़ा इस तरह चलो, से। एक कपड़ा है जो आप पाकिस्तान में दे रहे हैं, एक कपड़ा है जो आप जी बाहर दे रहे हैं, क्वालिटी में फर्क जी है? जी सर, क्वालिटी में फर्क होता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 होता है ना कोई। बिल्कुल इस तरह से होता है सर। अब मैं आपके पास आया खरीदने के लिए कि हाफिज साहब मुझे जरा, आप साइट एरिया पे हैं तो जरा मुझे ये बताएं कि यार ये ग्रेड C दे दें आप, सबसे छोटा, मुझे क्योंकि पैसे इतनी है मेरे पास। आप कहते हैं हाफिज साहब आप मुझे कन्विंस कर रहे हैं, नहीं भाई ग्रेड B लेके जाओ। जब मैं ग्रेड B पे कायल हो गया तो आपने कहा नहीं भाई ग्रेड A लेके जाओ, इसके तो ये बेनिफिट है। मैं लेने क्या आया था, सी लेने आते हैं, आपने मुझे दिया क्या? सबसे अच्छी क्वालिटी का ग्रेड ए का, और मुफ्त तो नहीं दिया, मुझसे क्या लिए, किसके, उसके पैसे लिए A के या C के? एक फायदा किसको हुआ, किसको? ही मुझे हुआ। आपको हुआ, मुझे भी तो हुआ, आपको हुआ, आपको ज्यादा हुआ, क्यों? क्यों आपको पैसे ज्यादा मिल गए क्योंकि जी मेरे प्रोडक्ट भी सेल हो गए अच्छी वाली, जी, तो आपने अपनी सेल को अप करके बेचा, अप कर अप दिया। सेलिंग। सही, ठीक है सर, आप समझ आए। अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई सवाल? सर ये एक टॉपिक है, ई कॉमर्स आर्किटेक्चर, ये मुझे नहीं आ रहा समझ में, है क्या ये? इंजीनियर मैंने पढ़ा है, इंजीनियर पढ़ाऊंगा, अच्छा ये आप सब लोग पढ़ाएंगे, पढ़िएगा ई कॉमर्स आर्किटेक्चर, फिर मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। ये ठीक है कल सर, मुझे इसके याद अलावा मुझे दिलाना, कोई, कल करूँ? इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है फिलहाल तो। नहीं, थैंक ओके राइट, बासिम नेक्स्ट करें। ओके यू सर। सर सर जी, सर अगर हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी पे जा रहे हो तो हम तब भी क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग करेंगे भाई मेरे आप हैं कौन? सर? फैजान सर, अच्छा क्रॉस फैजान सेलिंग अपसेलिंग जी, फैजान बताएं, सॉरी मुझे सर, सर अगर हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी पे जा रहे हो, मतलब हम कोई यूनिक प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हो, तो हम उसके साथ भी अपसेलिंग, ये क्रॉस सेलिंग करेंगे बिल्कुल, ये कस्टमर तो आप पे एक्सटेंशन। डिपेंड करता है ना कि आप उसके साथ क्या चीज निकाल रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। मतलब प्रोडक्ट अगर आप मोबाइल नया बना रहे हैं, आप एक नया, फॉर एग्जाम्पल आप ओप्पो का मोबाइल ले आए, नया मोबाइल इंट्रोड्यूस करा है, आप कहते हैं यूनिक फीचर है इसमें, मोशन डिटेक्शन है रात को, ठीक है, ठीक तो है सर, आप ठीक उसके है साथ किसी ने मना तो नहीं किया कि वो उस प्रोडक्ट का इनोवेटिव है, वो उसमें अपने आप में यूनिक है, लेकिन एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स तो बेच सकते हैं ना ठीक है सर, ठीक है सर। जी। अब आसिम नेक्स्ट करें।
सर नेक्स्ट एहसान को किया सर। एहसान अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे मिजाज हैं? अलहमदुल्ला, ठीक ठाक सर, अलहमदुल्ला। आप सुनाएं सर। ये तो लग रहा है मैं केपीके में आ गया हूँ। नहीं सर, आप सिंध में हैं। मैं सिंध में नहीं हूँ, मैं तो वही सूबे पर, मैं तो फेडरल में बैठा हूँ। अच्छा सर, मैं तो समझ रहा था आप कराची से कर रहे हैं वेबिनार, क्यों? क्योंकि सर कराची में हेड ऑफिस है ना, मैं समझ रहा था वहां से लेक्चर हो रहे हैं। नहीं भाई, मैं तो इस्लामाबाद से दे रहा हूँ। हमारी मजाल कराची से बात करें। अच्छा सर, बाकी तो अलहमदुल्ला सही चल रहा है सब कोर्स। ये अलहमदुल्ला इसके हवाले से पूछना था कि सिलेबस के अंदर जो आउटलाइन दी हुई है, जी। इसके इसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं, हम वही स्टडी करें या जिस तरह कुछ ज़्यादा टॉपिक्स भी दिए हुए हैं वो ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है उनको कि नहीं? यार पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छी बातें पढ़ लें। मैं तो मगर कहूंगा पढ़ें। टाइम के हिसाब से आपकी अगर क्या मसरूफियात है भाई? मतलब सर, जैसे अभी आखिरी टाइम में पेपर की तैयारी करनी होती है, तो उस टाइम जो इसके आउटलाइन दी हुई है उसके मुताबिक तैयारी करेंगे तो वो मेरे ख्याल में बेहतर है। तो मेरे भाई पहले टाइम में तैयारी करो। जो आउटलाइन है ना, जो आउटलाइन है मैं उसको जी कवर करूंगा। जो चैप्टर में नहीं कवर कराऊंगा वो मैं बता दूंगा। और जो चीज आपके पढ़ने की, अब दो चीजें, एक चीज है कि आउटलाइन में वो है और मैंने पढ़ाई है तो वो तो पढ़नी है। एक दूसरी चीज, आउटलाइन में है और मैंने नहीं पढ़ाई और कहा कि नहीं पढ़नी, तो आपने वो नहीं पढ़नी। वो सिर्फ एक दो चीजें हैं, वो मैं बताऊंगा। अब एक चीज है जो मैंने पढ़ाई पढ़ाई भी नहीं लेकिन आउटलाइन में है और मैंने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब वो आपने पढ़नी है। और कोई सवाल आप कुछ समझना है तो मुझसे पूछिए आप। ठीक है सर। बाकी आपके सामने वो एक सवाल कर लिया था ई कॉमर्स आर्किटेक्चर के बारे में, तो ये इसकी कुछ समझ नहीं लग रही थी। मैंने कहा पता पूछ लूंगा सर से, अगर जी आपने नहीं, बताया। ई कॉमर्स आर्किटेक्चर जो है वो मुझे कुछ चीजें बुनी और बेस बनानी है, तो फिर मैं उसके बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है सर, ठीक ठीक हो गया। और कोई चीज, आप जॉब करते हो जी सर, कहाँ पे? दी पाकिस्तान नेवी में सर। मतलब ये कि डिपार्टमेंट, काम क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आईटी से रिलेटेड है या अकाउंट से रिलेटेड है? इंजीनियरिंग से रिलेटेड है सर वो। ओके राइट, चलें, दैट्स गुड, दैट्स नाइस। अच्छा जी, बस बासिम नेक्स्ट करें, टाइम कम है हमारे पास। सर आगे मुबशर को किया। मुबशर, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुबशर, आर यू हियर? बासिम आगे चले, मुबशर नहीं है। सर मुबशर आगे। हेलो मुबशर, मुबशर आगे चलें। सर आगे उसामा को भी है। जी उसामा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप मैं ठीक हूँ। आप कहाँ से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कराची से। अच्छा कराची। जी उसामा, समझ आ रही है? जी सर, समझ आ रही है। असल में जो इससे पहले वाला लेक्चर था प्रीवियस, वो मैं कल किसी मसरूफियत की वजह से नहीं सुन पाया था, तो कौन सा ये लेक्चर? आप ये जो इससे कल आपने जो दिया था ना, वो वाला लेक्चर मैं नहीं सुन पाया था कुछ मसरूफियत अच्छा की, तो इसीलिए ये भी लेक्चर जो है मैंने लास्ट से सुनना शुरू किया है, बीच में से। तो आज वाला, ओके जी आज वाला जो है ना वो बीच में से शुरू किया, तो मैं पहले वो सुनूंगा फिर उसमें जो प्रॉब्लम आती है आपसे डिस्कस जी, कर जरूर सकता। जरूर, एनी टाइम एनी टाइम। आप जॉब करते हैं? नहीं सर, अभी तो फिलहाल जॉब नहीं करता, सिर्फ ये पढ़ाई। ओके राइट, चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, थैंक यू। बासिम नेक्स्ट करें प्लीज। सर नेक्स्ट है मिस सादी हबीब। जी सादिया, सादिया आर यू हियर? अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? का शुक्र है सर, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहाँ से हैं? सर मैं फैसलाबाद से हूँ और मुझे आपसे बहुत अहम बात करनी है। वो ये कि फैसलाबाद की हमारे कैंपस की जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन ही चलेंगी, तो जब ये फिजिकल क्लासेस शुरू हुई है ना तो हम जरा डिसअपॉइंट हो गए थे फैसलाबाद के स्टूडेंट्स के, शायद अब आप हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं देंगे क्योंकि स्टूडेंट्स की तादाद काफ़ी कम हो गई थी। तो मुझे आपको ये मैसेज कन्वे करना है कि हम फैसलाबाद वाले आप पे डिपेंडेंट हैं, प्लीज मतलब फोकस हम पे रखिएगा। वो फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होने से डर लगने लग गया कि शायद हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। नहीं समझ नहीं पाया, ये क्लासेस तो चली गई, इसमें तो कोई इशू नहीं है।
और सर मैं असल में मैं आईटी फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, लेकिन जो आपका लेक्चर होता है वो मुझे बहुत अच्छा समझ में आता है। मैंने वर्ड टू वर्ड बुक को शुरू किया हुआ है, तो मैं आपका लेक्चर दो दफा सुनती हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आईटी को देख रही हूँ। लेकिन ना सर ये एक पॉइंट था, डीएसएस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, सर जी इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दें, इसमें मुझे प्रॉब्लम आ रहा है। इसको मैंने आगे जाके एक पूरा इस पे शायद एक लेक्चर ही मैं दूं इनको, इसको और एक्सपर्ट सिस्टम, इन दोनों को तो मैंने भी आगे के लिए रखा हुआ है वो। अच्छा, और सर मैं इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ रही हूँ, तो अगर कोई मसला हो तो मैं आपसे नेक्स्ट वीक में पूछ सकती हूँ ना? जी जी जरूर, मैं ये इस तरह से कोशिश करूंगा, आज तो चूंकि थोड़ी सी लोग कम थे तो इसलिए मुझे पॉसिबल हुआ कि मैं सबको कह सकूं। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा सेशन रखूं, वर्बली भी पूछ लिया करूं। चलिए थैंक यू सर, बाकी जो आपने पढ़ाया वह सब अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। चलो गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। आगे के लिए प्लीज, थैंक यू, थैंक यू। जी सर मैं दोबारा मुबशिर को करता हूँ अगर वो बोले तो। चलें बासिम, टाइम भी हो गया, अब इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। बासिम,